ये तो एक्सपेरिमेंट से पहले उड़ा दिया यार तुमने। दोस्तों अभी अभी मैं सेटअप पर आया हूँ, तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो बिल्ली यहाँ पर खड़ी हुई थी और इसको पंजे मार रही थी। ये देखिए लकड़ी भी गिरी हुई है, ये देखें इसने पूरी कोशिश की है, ये हमारी जाली भी टेढ़ी हुई है दोस्तों। और फिर इधर कॉकटेल के पास खड़ी हुई थी, पहले इधर हमला कर रही थी। बिल्ली हमारे घर की टेम होती जा रही है दोस्तों, तो मैं इतना डर गया बिल्ली को देख के। और हमारे चूज़ों की आदत है कि वो यहाँ पर खड़े होते हैं जब हम आते हैं, तो ताकि हमें बाहर निकालें। तो शुक्र है यार नुकसान से बच गया, सही टाइम पर मैं पहुँच गया। दिल मेरा धक धक करने लग गया दोस्तों, मज़ेदार आ रहा है अभी। तो यार अभी हमने देखा कि हमारा वो जो एक देसी चिक था जिसकी आंख भी ख़राब थी दोस्तों, मैं आपको बताता था, वो भी गायब है। तो यार समझ नहीं आता ये चूज़े गायब कैसे होते हैं। अगर बिल्ली लेके जाती है ना कोई पर होता है ना कुछ होता है, ये गायब हो रहे हैं। या तो कोई चोरी कर रहे दोस्तों, या कोई और सीन है, या बच्चे हमारे किसी को उठा के दे देते हैं कि ये तुम्हारा गिफ्ट हो गया। कसम से इतना गुस्सा आ रहा है इस टाइम मुझे, मैं पता नहीं वीडियो कैसे बना रहा हूँ। जैसे ही हमारा सेटअप मतलब बड़े होते जा रहे थे चूज़े, तो अब चोरी होते जा रहे हैं, या पता नहीं बिल्ली लेके गई। यहाँ पे खड़ी हुई तो थी मनहूस। तो यार जो भी हो खैर है, होने के लिए अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। तो आज की वीडियो करते हैं दोस्तों शुरू। आज हम सोच के आए थे कि हम अपने एक और कबूतर का पर खोलेंगे, और वो जो अपना हमारा जंगली है आज उसको हवा में उड़ाएंगे और देखते हैं कि वो वापस आता है या नहीं आ पाता। तो ये आज हमने करना है वीडियो में, तो देखते हैं कि हम कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। तो खैर आज की वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। अब इनको जो है मैं खोल देता हूँ, तो किसके पर खोलने की जहमत करेंगे आज आप? यार मेरे हिसाब से शिराजी के। शिराजी के? वैसे भी उसका जो है हमने लास्ट टाइम एक पर खोला था, एक रहता है वो भी खोल देते हैं आज। चलो ठीक है, सारे पिजन्स और चिक्स हमारे बाहर आ चुके हैं, तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी भूखे होंगे तो भाई फिर आएगा, अगर खा पी के जाएंगे तो वापसी नहीं आएंगे। भूखा होगा तो किसी की भी छत पर बैठ जाएगा। अभी दाना पानी इनका हो चुका है, वहाँ पर दाना खा रहे हैं और पानी पी के यहाँ से चले गए दोस्तों उधर कोने में जहाँ पर सारी मट्टी वट्टी पड़ी हुई है, तो वहाँ पर जाके अभी इन्होंने दाना डाला वही खा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में हमने वो शिराजी को पकड़ना है जो चांदना के साथ खड़ा हुआ है, उसको पकड़ के फिर हमने उसके पर खोलने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अपना, इस जंगली को उड़ाएंगे हवा में, फिर देखते हैं कि ये वापस आता है अपने घर या नहीं आता। तो ये एक आज बड़ा चैलेंज है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जुड़े रहिएगा, और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। खैर तो अभी ये दाना खा लें दोस्तों, फिर पर भी खोलते हैं और इसको उड़ाते भी हैं। तो यार वाइट कढ़ाई के चक्कर में हम ये नोटिस करना ही भूल गए कि ये देखें ये चलता फिरता हमारा एक चरगा भी तैयार हो रहा है सेटअप पे। तो इसका मुझे बताओ यार ये क्या सीन है, बाल झड़ रहे हैं या आ रहे हैं? अभी तो आ रहे हैं, अभी झड़ नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार इसके बाल झड़ रहे हैं बेचारे के। तो यार आप दोस्त हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएँ काइंडली ये क्या सीन है इसका, क्या हम इसकी कोई दवा वगैरह करें, कोई बीमारी तो नहीं है इसे? सारे बाल उड़ गए भाई, सारे उड़ गए। सच में मैंने कहा ना ये देखो चरगा तैयार हो रहा है जीता जागता। ये देखें आप लोगों ने कभी चरगे को चलते हुए देखा? ये देखें ये जा रहा चरगा, ये बढ़ भी नहीं रहा दोस्तों, इसका कोई मसला है सही खासा कोई मसला है इसका। तो क्या ख्याल है भाई, पकड़ को इसके पर खोल दो यार शिराजी के, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम अपना आज वाला आराम से आराम से। तो दोस्तों इसके पर खोल के मिलते हैं हम। तो यार इसके पर खुल चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों पर हमने इसके खोल दिए हैं। यार इन लोगों को आराम नहीं आता क्या? और इसको तुम नीचे फेंक दो दादा। ये तो अभी सीन ये है कि मैं उस मादा का भी खोल दें। उसका खोलते हैं लेकिन खोल दो, चलो ऐसा कर लो सबके खोल खोल दो। नर को छोड़ गया, नर के मैंने पर ही काट दिए थे भाई। ओ, 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 ये तो एक्सपेरिमेंट से पहले उड़ा दिया यार तुमने, अल्लाह के बंदे। नहीं ना एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये तो अभी थोड़ा सा उड़ा उधर उड़ाएंगे हवा में भाई। यार वो देख ये तो घर के पास ही था, वो देख 50-50 कबूतर उड़ रहे हैं उनके साथ चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, कहीं नहीं जाएंगे। चलो भाई इसके भी पर खोल देते हैं दोस्तों हम अपनी चांदनी के। मदद करो, हाँ आ रहा हूँ मैं। तो यार हमारी चांदनी के भी पर खुल चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों पर, इसको भी छोड़ दो आप।
नीचे। अब सही रखे हैं इसने पर, वरना एक लटकाया हुआ था नीचे दोस्तों और एक सीधा होता था इसका। तो अभी हमारा टास्क ये है कि मैंने पकड़ना है अभी से। अब चांदनी साथ है उसके, उसे ना उड़ा देना। चुप। तो दोस्तों ये थोड़ा टास्क मुश्किल है क्योंकि ये इसके पर खुले में ही उड़ भी सकता है, तो मैंने इसको अब तरीके से पकड़ना है कोने में घेर के। चांदना ना उड़ाना। रहने दो, अभी थोड़ा सा उड़ा था ना। तुम ट्राई करो तुम। नहीं वो हाथ में तो आना नहीं। आ जाएगा। नहीं आ रहा यार, रहने दो। नहीं तो दोस्तों मस्त चार पाई हमने यहाँ पर रख के अपने पिजन्स को हम खिला रहे हैं अली भाई वाली रोटी, जो कि हमारा चैलेंज है। मज़ेदार बॉल्स बना बना के खिला रहे हैं इन्हें, तो ये बॉल्स बना के खिलाता रहेगा और मैं वीडियो एडिट करता रहूँगा। लकी हमारे इधर बैठ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों ये गोला कबूतर ऐसे क्यों बैठा हुआ था? अब ये भी तो अंडा नहीं देगा क्योंकि चांदना जो है हमारा गोला कबूतर के साथ मस्ती करता रहता है, तो हो सकता है कि इनका पेयर बन जाए। तो यार तकरीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद अदादार भाई ने आखिरकार ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं। तो अभी इनको खिला भी दो भाई। ये मुलाहिजा भी, ये क्या कहेंगे, ये भी मुलाहिजा फरमाइए, ये भी मुलाहिजा फरमाइए। तो अभी अदादार भाई खिलाएंगे इनको। बड़े शौक से खाते हैं दोस्तों पिजन्स। अली भाई देख रहे हैं ना आपके मशवरे पर कैसे चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी टाइम है कमेंट हाईलाइट कर देने का, जो कि हमें बहुत ज़रूरी है, हर वीडियो में करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी को हम पूरे तरीके से निभाएंगे। तो अज़ादार भाई आप पहला कमेंट हाईलाइट कर दें, जो कि हमने अभी अभी देखा है कि कौन से कमेंट अच्छे हैं और कौन से नहीं। तो यार ये मैं कमेंट हाईलाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर हमजा रजा साहब का। उन्होंने कहा यार आप जो सिंधी एक्सेंट में बोलते हैं काइंडली एक बार इस वीडियो में दोबारा रिपीट कीजिएगा। तो हमजा रजा भाई वाइट कढ़ाई बनाई है, कभी आए हमारे सेटअप पे तो आपको खिलाएंगे। ठीक, बहुत मज़ा आएगा भाई आप पर। तो आपकी रिक्वेस्ट पे भाई जान हमने सिंधी में एक बार दोबारा बोल दिया वाइट कढ़ाई। तो अगला कमेंट आप शेरी भाई हाईलाइट करेंगे, तो शेरी भाई ये हाईलाइट करेंगे कि रयान भाई ने कमेंट किया हुआ था कि शेरी भाई मैं आपकी शहर में देहात भाई की वहाँ कामरान व्लॉग्स की वीडियोस देखता रहता हूँ, मैं शुरू से आप तीनों का सब्सक्राइबर हूँ, तो आप मेरा कमेंट ज़रूर हाईलाइट करिएगा। तो ऐसे ही हम तीनों को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, वहाँ भैया को सपोर्ट करते रहिए, हमारे शहर में देहात दी लेजेंड तो आप कामरान को सपोर्ट करते रहिए, और क्या के बोलेंगे ऑफकोर्स मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके वफादारी की ज़रूरत है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।